पब्लिक टीवी आपकी आवाज। समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के महानगर अध्यक्ष कामिल मंसूरी ने विधानसभा 27 मुरादाबाद देहात से समाजवादी यूथ ब्रिगेड में मोहम्मद इरशाद अंसारी को विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत किया है। रईस सिद्दीकी को महानगर सचिव नियुक्त किया गया। मनोनयन पत्र देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी द्वारा सौंपे गए। इस मौके पर देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी ने कहा कि आने वाला वक्त समाजवादी पार्टी का है। युवा कार्यकर्ता घर घर जाकर समाजवादी पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए युवाओं को भी जोड़ रहे हैं। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी नौजवान अभी से ही घर घर जाकर समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। देखिए, आज हमने देहात विधानसभा 27 में विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद इरशाद अंसारी साहब को बनाया है। ये बहुत ही मजबूत साथी हैं और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यक्रमों में आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और ये हमें यही आशा है इनसे कि समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के संगठन को मजबूत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। और हमारे दूसरे साथी रईस सिद्दीकी साहब हैं, इन्हें हमने महानगर में सचिव बनाया है और ये भी हमारे पुराने साथी हैं और युवाओं में खास युवाओं के लिए हम यूथ ब्रिगेड जो मजबूती के साथ काम कर रही है, ये भी अपनी यूथ ब्रिगेड को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, इरशाद अंसारी बहुत मजबूत नौजवान साथी हैं। इनके वालिद असलम चेयरमैन साहब, असलम अंसारी साहब, 3 बार भोजपुर के चेयरमैन रहे और नहायत शरीफ आदमी थे, जनता उन्हें पसंद करती है। उन्हीं की वजह से इरशाद अंसारी साहब को भोजपुर की जनता पसंद करती है। मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ रईस साहब को महानगर का सचिव बनाया गया है। बहुत उम्दा नौजवान साथी है। मैं इनको, रईस साहब को भी बधाई देता हूँ और कामिल मंसूरी साहब को सबसे ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो इस तरह के नौजवान साथियों को पदाधिकारी बना रहे हैं जो पार्टी के मजबूत सिपाही हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।